चलिए बनाते हैं गर्मी व लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना। तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो सबसे पहले हमने 3 कच्चे आम लिए हैं, तो ये हमने धुल के रख लिए हैं। तो आम को हमें एक छिलनी से छील लेना है। इसका ये देखिए जो छिलका है, इसे हमें अच्छी तरह से छील लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे आम को छील लेना है। तो इसे ध्यान दे के छील लें, क्योंकि इस टाइम जो आम आते हैं वो थोड़े से टाइट होते हैं, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है आम। तो अब ये जो आगे की जो ये डंठल होती है, तो इसे हमें चाकू की मदद से काट के निकाल देने हैं। सारे आम के ऐसे ही निकाल देने और अच्छे से छीलना है इसे। तो ये देखिए इस तरह से हम दूसरा भी आम छील लेते हैं। तो इसे भी हम छील के रख लेंगे। आगे का जो डंठल होता है, इसे भी हम चाकू से काट के निकाल देते हैं। तो ये तीनों आम देखिए छील के रख लिए हैं। तो अब इसका जो गूदा है आम का, तो थोड़ा ये हार्ड है आम, जो इसका अंदर का बीजा है वो हार्ड है। तो इसका जो गूदा है ऊपर का, उसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए चाकू की मदद से इसे हम निकाल लेंगे। और इसका जो बीजा होगा वो साइड में हम कर देंगे, उसे हमें नहीं यूज़ करना है, उसे हम हटा देंगे। तो इस तरह से हमें सारे आम को काट लेने हैं। तो ये देखिए हमने काट के इसका बीजा जो है साइड में कर दिया है। तो दूसरा आम भी इसी तरह से हमें काट लेना है। अब जो बड़े बड़े थोड़े पीस होंगे, उसे हमें छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सभी को हमें पतले पतले में कर लेने हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमने काट के इकट्ठा कर लिया है। तब एक हम भगोना ले लेते हैं। तो अब भगोने में जितने आम थे, उसे हमें सब उसी में डाल देना भगोने में। तो देखिए हमने सारा डाल दिया है। तो अब गैस के फ्लेम को हम ऑन करेंगे। अब इसमें हम जितना हमें आवश्यकता होगी उतना हम पानी डाल देंगे, यानी कि आम जो है पूरा भीग जाए इसमें अच्छे से। तो इतना हमें पानी डाल देना है, मतलब आम के ऊपर थोड़ा सा रहे पानी, इतना हमें डाल देना है अंदाज बस। अब इसे सॉफ्ट होने तक इसे हम 2 मिनट पका लेंगे। तो ये देखिए हम ढक के पका लिए हैं 2 मिनट। अब ये इसमें जो है, ये देखिए पक चुका है पानी, एक बार उबाल आ चुका है। उबाल आ जाए बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें हम एक कटोरी इसमें चीनी डालेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि हमें दोबारा चीनी नहीं डालना है, बाद में अगर हमें कम ज़्यादा लगता है तो डालेंगे, नहीं तो एक बार में हम डाल देते हैं। तो अब इसे हमें कम से कम 5 से 6 मिनट या 7 से 8 मिनट तक इसे कुक कर लेना है हमें, ताकि इसका जो पल्प है, तो गूदा है, तो इसे हमें सॉफ्ट हो जाने तक इसे हमें पका लेना है। तो ये देखिए, चलिए इसे हम दोबारा खोल के देख लेते हैं। और इसे हम एक निकाल के एक पीस जो है, इसे हम चेक करके देख लेते हैं कि हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो एक निकाल के चेक कर लेते हैं इसे कि ये सॉफ्ट हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए एक चम्मच की मदद से इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है, तो अब इसे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इसमें हम 2 चम्मच सौंफ लिए थे, तो इसे हम 1 घंटे पहले ही भिगा के हम रख दिए थे। तो चाहे आप आधा घंटा पहले भिगा दें, तो गर्म पानी में करिएगा, अगर आधा घंटा पहले तो 1 घंटे पहले कर दिए थे। तो ये अभी आम जो है ज़्यादा गर्म है, पानी गर्म पानी में रहेगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम दूसरे बर्तन में इसे खाली कर लेते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और ये जो पानी है, इसे हमें फेंकना नहीं, इसे हमें यूज़ करना है, इसको फेंकिएगा नहीं। तो ये देखिए अब ठंडा हो चुका है। तब एक मिक्सर हम जार ले लेते हैं। मिक्सर जार में सारे जो गूदे हैं, पल्प हैं आम के, तो इसे में जार में हम डाल देते हैं इसे। तो इसे हमें ग्राइंड करना है, तो इसे में हम डाल देते हैं। तो अब इसमें जो सौंफ था, तो अच्छे से हम 2-3 पानी में इसे धुले थे, तो इसे हम डाल देते हैं। और इसमें थोड़ी सी पुदीना पत्ती है, आधा कप के लगभग पुदीना का पत्ती है, तो वो भी हम डाल देंगे इसी में। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं, तो बंद करते हैं, अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है। तो अभी ये देखिए ग्राइंड करने के बाद कहीं कहीं थोड़े थोड़े गूदे दिख रहे हैं। तो इसे हम अब जो चीनी का पानी था वही इसमें मतलब डाल के इसे हम दोबारा जो है ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए जो आम जिसमें उबाले थे भगोने में, वही जो चीनी का पानी है वही डाले हैं। तो देखिए बहुत अच्छा पेस्ट इसका बना लिए हैं, बहुत बारीक बहुत पतला हो गया है। तो इसे दूसरे बर्तन में खाली कर लेते हैं। तो इस तरह से आप बना के फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं कम से कम 15-20 दिन के लिए, जब इच्छा हो बना के सारे मसाले डाल के जो है बना के पी सकते हैं। तो ये जो पानी सारा बचा था,
चीनी वाला पानी, तो इसे हम सारा ऐड कर देते हैं, ये अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए सारा हम डाल दिए हैं, तो इसमें 10 से 12 आइस क्यूब डाल देते हैं या उससे भी कम, जैसा आपको पसंद हो, जितना ठंडा पसंद हो उस हिसाब से आप डालिएगा। तो ये देखिए हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें हमें जितना नॉर्मल पानी की ज़रूरत हो तो भी डाल देंगे। तो इसमें हम जीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाले हैं, वो भुना जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच नमक सादा डाले हैं, सेंधा नमक डालना है, आप कोई भी नमक यूज़ करिएगा जो आपको पसंद हो। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसमें हम, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें हम नॉर्मल पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो आपकी इच्छा हो तो आइस आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। तो ये बर्तन थोड़ा छोटा है तो इसे बड़े बर्तन में हम चला लेते हैं, क्योंकि चलाते नहीं बन रहा उसमें, तो इसमें हम बड़े बर्तन में इसे हम खाली कर लेते हैं। ये देखिए हमने खाली कर लिया है, तो इसे अच्छे से चला लेते हैं। ये देखिए थोड़ा पतला हुआ, अब इस और पतला चाहें तो और पतला कर सकते हैं, कम से कम इसमें 10 गिलास आराम से बन जाएंगे। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने 2 गिलास रख लिया है, तो इसे हम ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए एक में किया और दूसरे में भी कर लिया। अब इसमें आइस क्यूब डाल देते हैं, पुदीना की पत्ती डाल देते हैं और इसे हम सर्व कर देते हैं। और इस बस इंजॉय करिए। मेरी रेसिपी आप लोग को कैसे लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।